हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे सुबह शाम किचन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी शुद्ध देसी स्टाइल में। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में थोड़ा ऑयल लगा दिया है, ऑयल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पनीर को डीप फ्राई करेंगे। अब जैसे कि ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें पनीर छोड़ देंगे। पनीर को अच्छे से ब्राउन होने देते हैं, देखिए चलाते रहेंगे कहीं नीचे लग ना जाए। अच्छा, जैसे ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए, जैसे कि हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से कलछी से चला देंगे। और प्याज लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जब ये प्याज लहसुन का पेस्ट ना अच्छे से भुज जाए, फिर इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, हल्दी डाल दिए अच्छे से। और अब ये देखिए, जैसे कि प्याज लहसुन अच्छे से भुज चुका है, अब इसमें छोड़ देंगे टमाटर का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोई ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे, तो देसी स्टाइल में बनाएंगे ना। इसमें नमक, अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे। ये देखिए, इसमें एक कटोरी पानी छोड़ देंगे, को अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें पनीर छोड़ देंगे। ये देखिए, जैसे कि कितना बढ़िया उबाल आ गया है, अब इसमें छोड़ेंगे पनीर। अब इसमें पनीर छोड़ देंगे, थोड़ी देर पनीर को भी इसमें पकने देंगे। उसके बाद गैस को बंद करेंगे। अगर आप